जय श्री राम सभी भाइयों को। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का अपना वीडियो रहने वाला है ट्यूबलाइट मूवी के ऊपर। तो आज के अपने इस वीडियो में हम ट्यूबलाइट मूवी की कहानी के बारे में और उस पर छोटा सा रिव्यू करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर हमारे वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ट्यूबलाइट मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी 1962 के भारत चीन युद्ध के बैकड्रॉप के कुमायूं के एक कस्बे जगतपुर में रहने वाले बच्चे लक्ष्मण सिंह बिष्ट सलमान खान की है, जिसे उसके साथ ही उसकी बेवकूफाना हरकतों के चलते ट्यूबलाइट कहकर पुकारते हैं। हालांकि उसका छोटा भाई भरत सिंह बिष्ट सोहेल खान अपने भाई को पूरा सपोर्ट करता है। अपने माँ बाप के मर जाने के बाद लक्ष्मण और भरत जगतपुर में बनने चाचा ओमपुरी की सरपरस्ती में रहते हैं। इसी बीच भारत चीन युद्ध छिड़ जाता है और भारत मोर्चे पर चला जाता है। अपने भाई के बिना साइकिल की चेन तक भी नहीं चढ़ा पाने वाला लक्ष्मण उसे बेहद मिस करता है और उसे वापस लाने की कोशिश में जुट जाता है। इसके लिए लक्ष्मण बनने चाचा से गांधी जी की शिक्षाएं सीखता है। इसी बीच उनके कस्बे में चीनी महिला ली लिन जुजू और उसका बेटा गुओ आ जाते हैं। चीन से लड़ाई की वजह से नाराज कस्बे वाले, खासकर नारायण तिवारी, उन पर हमला करते हैं, लेकिन लक्ष्मण उनकी मदद करता है। कस्बे में एक जादूगर गोगो पाशा शाहरुख खान आता है, जो कि लक्ष्मण को यकीन जगा देता है कि वह चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। उधर लक्ष्मण को खबर मिलती है कि उसका भाई भरत चीनी फौज की कैद में है। तो क्या लक्ष्मण अपने भाई को वापस लाने में कामयाब हो पाता है? बात अगर डायरेक्टर की करें तो कबीर खान की फिल्म पर कतई पकड़ नज़र नहीं आती। एक अच्छी कहानी पर बड़ी फिल्म प्लॉट की गड़बड़ी के चलते दर्शकों को निराश करती है। खुद पर यकीन करने के फंडे के चलते कबीर ने फिल्म में सलमान से तमाम अटपटी चीज़ें कराई है। फिल्म का फर्स्ट हाफ कमज़ोर है तो सेकंड हाफ में चीज़ें और भी ख़राब हो जाती है। कई सीन तो बेहद अटपटे हैं। मसलन एक सीन में सलमान शर्ट पैंट स्वेटर और जूते पहनकर नदी में छलांग लगाते नजर आते हैं। वहीं एक दूसरे सीन में सोहेल खान को गोली लग जाती है तो वह अपने साथी को उसके फटे हुए जूतों की बजाय अपने जूते पहनने को कहता है। उसका साथी सोहेल के जूते पहनता है, इतने में उसे भी गोली लग जाती है। लेकिन जब भारतीय सेना के सिपाही उनके पास पहुंचते हैं तो वहां उन्हें दोनों के पैरों में जूते नजर आते हैं।